हिंदी बोलो हरियाणवी हरियाणवी हिंदी बोल नम तो हरियाणवी बोल ना नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल बी एन 24 में। मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा और इस वक्त आपके साथ लाइव जुड़ चुका हूं असंध जिला करनाल हरियाणा से। जैसा कि हमने टाइटल दिया है, जो असंध के अंदर चोरी की जो वारदातें हो रही है और आज जो चोरी की एक ऐसी वारदात हमने देखी है कि हम ये कहें कि चोरो कुछ तो शर्म करो। क्यों शर्म करें? क्योंकि चोरों ने एक आज ऐसी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। जब मैं वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा तो आप सभी ये कहोगे कि चोरों की भी शर्म उतर चुकी है और चोरों को भी शर्म आनी चाहिए। जब इस तरह के एक गरीब आदमी के साथ चोर उसका सामान चुरा कर ले जाते हैं, बेहद ही गरीब आदमी है, बिल्कुल ही बेहद गरीब आदमी है, और किस तरह से वो अपने परिवार का गुजारा कर रहा था वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल सभी से अपील करूंगा कि आप इस वीडियो को, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दे। असंध से मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं और मेरे ठीक सामने है करनाल रोड। करनाल रोड से जैसे ही हम एंट्री करते हैं, ये मार्केट है, यहाँ पर डाकखाना मार्केट। डाकखाना मार्केट से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। बेहद ही शर्मनाक जो चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया, वो बहुत ही घटिया कहूंगा, इतनी घटिया। यदि पहले वो कहीं चोरी करते थे तो खबरें हम बनाने जाते थे, पता लगता था कि इतने बड़े शोरूम में चोरी की है, इतने बड़े मॉल में चोरी की, इतनी बड़ी दुकान में चोरी की है, तब इतना अजीब नहीं लगता था जितना आज हमें लग रहा है। एक शख्स के साथ जिस तरह से एक चोरी की घटना हुई है, तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए। कितने का सामान था? 5-7 हजार का तो हो गया। 5-7 हजार का था। इसका के दाब रखा था उसमें? भाई चोर ने कट्टे उठा के लेके तो दाल रोटी जो का अपना गुजारा कर रहा था। वो ये पल्ली कट्टे है जिस तरह तड़ा बिछा के बैठू। अच्छा, एक बार ताऊ का देख ले भाई, ये पल्ली कट्टे देख लो। बेचारा अगर इतना अमीर होता नहीं तो यू भी खड़ी अपनी दुकान दुकून करता भाई, चप्पल जूते की। लेकिन चोर का एक रहना जमा भाई, जमा बेशरम हो लिए। तो चोर नहीं छोड़ दे किसी की टूटी हुई चप्पल भी, रोए काम कर दिया। उसमें टूटी फूटी चप्पल भी होगी है, वो भी लेके ठहर गए। और वो ये दो 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 तीन टूटी फूटी और जूते थे वहाँ भी मैं। अच्छा, और डिब्बे डब्बे को मिसू हुए बच्चा के संड ला के सारा ही सामान जोड़ कर रखूं। क्रीम पॉलिश ले भाई, देख मैं दिखाऊं एक बार, ये देखता हूं का सामान है, यू है सामान ताऊ का। हां, क्रीम पाउडर पॉलिश की डिब्बे चार याद है, पॉलिश की वो है डिब्बी, यू बुर्स है भाई जिस पे ताऊ पॉलिश पुलिस करे। अरे क्यों भाई, अपना हथियार सा है जिस पे ताऊ चप्पल जूते काटने के काम करे। और भी बहुत सारा सामान था, 6-7 हजार का सामान था। ताऊ ने पता नहीं किस तरह जोड़ा था, किस तरह नहीं, अपने बुढ़ापे में भाई अपनी दाल रोटी चला रहा था। लेकिन ई ताऊ कुकर गुजारा होगा तो किस टाइम आए थे आप? आज 9 बजे से आ रहा। 9 बजे आए? 9-10 भी बज रहे। अच्छा, तो जो सामान आप तरह जाया करो थे रोज? हाँ, एक कट्टे में पैक करके। हाँ, उसका तो मुंह बांध के कट्टे में डाल के। हाँ, तो मिले वो? ना, पाया नहीं होगा। मैं आस पास के ने भी मदद करी होगी। तो भी ये जो सामान लेके आए हो आप, ये किसने दुआए हैं? ये इस पे तो चन्ने पे लेके पीछे क्या है दुकान पे। अच्छा, जो ये आस पास के दुकानदार हैं, हाँ, इन्हें थोड़े बहुत मदद कर दी। हाँ, फोटोग्राफर कर दी। अच्छा चलो भाई, तो आस पास के दुकानदार थे उन्हें थोड़ी बहुत ही मदद कर दी। ताऊ था भाई अपना ये सामान जो के पीछे दे दिए। चलो हम उम्मीद करा भाई किसी गरीब गला इस तरह का नहीं होना चाहिए। जो भाई किसी पया कर मोची का सामान किसी कबाड़ी लोहे बेचना आवे तो अपना ध्यान रखियो भाई। यू ताऊ कौन से काम है ताऊ अपना? पपड़ाना। के नाम बताया था? सुनहरा। भाई सुनहरा ताऊ है भाई, जून से यू कहा था। तो देखिए साथियों, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं असंध के अंदर एक बुजुर्ग ताऊ का जो सारा सामान चोर उठा कर ले जाते हैं। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। देखिए जैसा कि हम आपको बता दें कि अब ये ताऊ के पास जो ये छतरी है, जो ये सामान है,
थोड़ा बहुत है अभी जो आसपास के दुकानदार है उन्होंने ताऊ को दिया है कि जैसे वो सुबह आए थे इस अपने काम के लिए भी कुछ न कुछ काम हो जाएगा। लेकिन जो चोर है उन चोरों ने जो कट्टे के अंदर सामान रखा था 5,000-7,000 जो भी जितना था तो उसको उठा के ले गए हैं। उसके अंदर चप्पल जूते कोई ग्राहक होंगे उसका भी सामान था। बेहद परेशान है, जो भी साथी हमारे साथ जुड़े शेयर जरूर कर दे। और किसी कबाड़िए के पास यदि वो सामान देने जाते हैं तो उस कबाड़ी भाई से भी अपील है कि आप ये सामान ताऊ का वापस पहुंचा दें, क्योंकि उसके अंदर जूते चप्पल होंगे और भी था कुछ ताऊ। ये बुरे से बाहर से ही जूते जाते जे। अच्छा। जिस तरह बच्चा के सैंड लागन लावा गमसुए। अच्छा गमसुए। हाँ और ये चेपी चापी जिस तरह सैंड लागा लगावे गमसुए लावा ये बुरे से बाहर से हैं। करीम पाउडर हैं जिस तरह ये सितारी रामबी मोगरा कुबाई हैं। अच्छा हाँ ये सारा ही कंची कुंची सारा ही सामान जोड़े कंची कुंची सारा इतना। हाँ कितने दिन तक बैठा था यार? पूरे साल तो ऊपर हो गया। एक साल हो गया बैठे। हाँ और कौन है परिवार में? परिवार में दो लड़के हैं वैसे एक जनानी भी है। अच्छा बीमार रहा है वो अभी का खाट में बीमार है। ये भी सामान किस पर लेकर आए हो? ये तो ये बाजार में मिला है वो। अच्छा ये पहले साल ये क्रीम पाउडर चाहिए। ये किसने दिया? ये दो ताके मोल ले आया हूँ। अच्छा मोल ले आए हो। हाँ ये इस पता चलने पे चले का पीछे जी भी ले आया हूँ मोल। वैसे भी ये सामान है सारा? हाँ ये भी तो इस टाइम यू है अभी मोल ले आओ दौड़ना पड़ेगा ये सारा सामान। बल्कि ये तो मैं के ले आ मोची पे थे ये दो रात से तो ये बोले कि तुम घर आ के करेगा थोड़ा बैठ जाइए सा चाह पानी का चाह पानी जगाड़ हो जाएगा घर आके करेगा कि बैठ जाइए चांद नारी हैं बोले दो तीन दुकान तक। अच्छा मैं तो उल्टा जाऊं तो जी पे अड़के करे। तो देखिए दोस्तों जैसे कि हम बार बार आपको कह रहे हैं कि जो चोर हैं उन्होंने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं बेशर्मी की। एक गरीब ताऊ का सामान यहाँ से उठा के ले गए हैं। एक कट्टे के अंदर सामान रखा था उस कट्टे के अंदर जो भी सामान होता है मोची का वो सारा सामान उसके अंदर जोड़ के रखा हुआ था। उन्हें पपड़ाना के हैं सुनहरा नाम है और करीब एक साल से यहाँ पर काम कर रहे थे इस मार्केट के अंदर। और यहाँ से थोड़ी ही आगे चल के उस साइड के अंदर एक कट्टा रखा हुआ था। किस टाइम वो चोर उठा के ले गए इसका ये देखिए। जो दानी सज्जन है वो कम नहीं है। एक साथी यहाँ पर पहुंचे हैं मदद के लिए। कहते हैं एक एक बूंद से गड़ा भर जाता है। यदि ऐसे ही ताऊ की मदद करेंगे तो भाई उम्मीद है कि ताऊ का सामान बोर्ड की मैं फिर जुड़ जाएगा। तो जो भी हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हैं भाई शेयर जरूर करें और ताऊ की मदद भी करें, क्योंकि इस तरह की मदद कभी बेकार नहीं जाती। भगवान और कड़ी तो देवेगा। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी अपनी तरफ से जो भी मदद होगी ताऊ की करांगे, लेकिन आप सभी से भी अपील करांगे कि आप भी ताऊ की मदद जरूर करें। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे BN24। नमस्कार।